और ये जो गोधन है ये हम लेकर आए थे हंडा भाई के पास से, हरिता से। अच्छा, और हंडा भाई ने विश्वास से दे दिया था, ये शायद 7 महीने की आगे की प्रेग्नेंट थी। उसने कहा था भाई अच्छा धन है, आप मेरे विश्वास पे ले जाओ। भाई है हमारा, उसको बिल्कुल हम छोटे भाई की तरह मानते हैं। हम विश्वास पे लेके आ गए थे इसे। जी, ये तो हमने जब से जित्तू भाई का हम वो देखने लगे अच्छा, यूट्यूब चैनल, जी, और इससे पहले हम सेना में थे, करगिल युद्ध सकते थे, हाँ, सेना से आए तो भाई जित्तू भाई साहब का। आप का जो भाई साहब का जो बैकग्राउंड है वो इंडियन आर्मी से है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं भीम आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भीम रूरल फार्मर में। और आज हमारी विजिट है गांव शाहपुर बड़ोली जिला बागपत में, और सामने आप इस हरियाणा नस्ल की गोधन को देख सकते हैं, और साथ में इनके जो गोपालक हैं संदीप बड़ोली सर, उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार सर जी जी। सभी को नमस्कार। जी जी मैं शाहपुर बड़ोली, मेरा नाम संदीप बड़ोली है। जी और ये जो गोधन है ये हम लेकर आए थे हंडा भाई के पास से, हरिता से। अच्छा, और हंडा भाई ने विश्वास से दे दिया था, ये शायद 7 महीने की आगे की प्रेग्नेंट थी। उसने कहा था भाई अच्छा धन है, आप मेरे विश्वास पे ले जाओ। भाई है हमारा, उसको बिल्कुल हम छोटे भाई की तरह मानते हैं। हम विश्वास पे लेके आ गए थे इसे। जी, और इसका जो बावली, इसका जो बच्चा है वो बावली गांव हुआ है, अच्छे हाँ, गोपालक है वो भी, बहुत अच्छा उन्होंने उसको पाला हुआ है। अच्छा, जो और इसके अब साथ में बछड़ा आया जी, था वो वो बावली चला गया, बावली दे गोपालक दिया। ठीक है, है, अच्छे गोपालक है, उसको अच्छा तैयार कर रखा उन्होंने, अच्छी उसकी सेवा कर रहे। अब जो है इसने जो है इस बार थोड़ी गड़बड़ कर रखी थी, जो पीछे से किसान है उसने अच्छा, इसको जो है गिर का वो लगवाया हुआ था। ये जो एक नेगेटिव पॉइंट इन्होंने हाँ बताया है कि वो आप बछड़ी देख सकते हैं, बस बछड़ा, अच्छा वो बछड़ा है। तो ये एक उन किसान की एक नासमझी है कि उन्होंने एक हरियाणा नस्ल की गोधन को ये गिर का सीमन लगवा दिया और ये रिजल्ट आया। अब ये 13 ना 3 कुछ नहीं, बस। तो ऐसी गलती और हंडा भाई ने बिल्कुल ना बारह करें। किलो दूध कह के दिया था, अच्छा और इसने 12 किलो दूध दिया। जी, अब तो जो है ये 3 महीने की प्रेग्नेंट होगी, शक्तिगुल से प्रेग्नेंट, अच्छा शक्ति का लगवाया हुआ है सीमेन इसको, जी, 3 महीने की ये अभी प्रेग्नेंट अच्छा होगी। अब जी, फिलहाल जो है ये 7 किलो दूध दे रही है। दे रही है। अच्छा, तो आप एक एवरेज हाइट है गाय की, और ये इसके आप थन वगैरह और देख क्या सकते चाहिए, और हैं। कुछ नहीं कह सकते, थोड़ी ये बस बताइए, इन्होंने कि बीमार हो गई थी बीमार हो गई थी, और इसको इस बाला कह करके रहे थोड़ा हैं तो ये दिक्कत आ गई हम, थी। थनेला रोग उसे ही कैसा है, थनेला अच्छा, थनेला, जी जी बाला जी थन थनेला हाँ एक हाँ ही हाँ होता है हाँ उसे। दूध में कोई दिक्कत नहीं, दूध जो है बराबर दे रही सारे अच्छा, समय से। तो डाइट में क्या देते हो? डाइट में तो भाई साहब इसका जो है हमने ला रखा है चना बिनोला, और जैसे सर्दी के सीजन में बाजरा ज्यादा कर दे, और मक्की अच्छा और छिलका है हाँ, अपना, चने का छिलका जो नॉर्मल आम घर में रहता ही है, और बिनोलों की खल तकरीबन। अच्छा, तो जो गोधन के प्रति लगाव और रुझान वो कहाँ से बना, कब से बना, कितने दिन हो गए? अच्छा ये तो हमने जब से जित्तू भाई का हम वो देखने लगे अच्छा अच्छा यूट्यूब चैनल, जी, और इससे पहले हम सेना में थे, हाँ करगिल युद्ध हाँ हाँ सकते हाँ थे, सेना हाँ से आए तो भाई जित्तू भाई साहब का। आप का जो भाई साहब का जो बैकग्राउंड है वो इंडियन आर्मी से है, तो हाँ, तो पहले जित्तू भाई आपने का 17 साल नौकरी करके मैं आया था पेंशन, उसके बाद मैंने जित्तू भाई की बहुत सी वीडियो देखी, उन्हीं से जो हमें प्रेरणा मिली। हम हाँ, जित्तू भाई के पास भी गए, उनसे भी मिले, उन्होंने हमने हमें ऐसा प्रेरित कर दिया कि हम जो है गोधन रखे बिना अब हमारे से रहा नहीं जाएगा। मैं अब मेरे पास जो है 3 गोधन है अच्छा, देसी, पहले क्या रखते थे? पहले भैंस थी, भैंस थी, भैंस थी, भैंस जो अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, शायद 2 ही साल हुई अच्छा, जो हमने दिया भैंस को, उसके बाद हमने हमारा रुझान जो है अच्छा, गाय की तरफ है। अब इनके पास आप देख सकते हैं फिलहाल तमाम हरियाणा नस्ल की गोधन बंधी हुई है, और
जीतू भाई की वीडियो देखकर मैं पहले तो गाय तो ला नहीं पाया था, एक ये मेरी बछिया है इसको लेकर आ गया था मैं, छोटी सी गोई। अच्छा अच्छा ये 3 या 4 महीने की होगी, गौशाला से लेकर आया था मैं। अच्छा, क्योंकि वहां इसकी रख रखाव ठीक नहीं था, ये पूरी काली हो रखी थी चीचड़ी वगैरह से। अच्छा 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 तो मैं वहां गया था ऐसे कुछ काम के लिए, घुस लेके गया था मैं वहाँ, घुस का ट्रैक्टर, तो मैंने देखा था मैं इसको वहां से लेकर आ गया था। आप इसकी दयनीय स्थिति देख के, हाँ मैं इसे आप इसे देख सकते हो, अपनी बहुत प्यारी बच्ची है। अच्छा 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 नाइस, समय तो आपने बिल्कुल फिट कर रखी है ये, और ये आप देख सकते हैं। और एक ये गाय है इनके पास, और एक ये इस गाय की बछड़ी है, ये देखो, ये होता है एक जागरूकता का रिजल्ट। कितनी सुंदर बच्चिया नीचे आई है इस गाय के नीचे। तो ये कहाँ से लाई जी? ये गोधन भी, जो ये गोधन है ये भी हम हरियाणा से लाए हैं। अच्छा, ये तकरीबन ये लगा का चलो फरवरी में लेके आए थे इसे, और ये पहली बात की है, फर्स्ट बार इसने बच्चा दिया हुआ है। अच्छा, 11 किलो दूध नाप के हम इसे लाए थे। अच्छा, और आने के बाद कुछ दिन तो इसका दिल नहीं लगा, तो इसका दूध क्या 8 दिन 10 दिन तो घास नहीं खाया, दूध भी डाउन हो गया था बिल्कुल। अच्छा, और 10 दिन बाद इसका फिर दिल लगने लगा, तो उसके बाद जो है फिर वापस 11 पे आ गई। अच्छा अच्छा, अब ये 7-8 महीने हो गए, 8 किलो दूध ये अब भी अच्छा दे रही है, और शक्ति का सीमेंट से इसको भी शक्ति का सीमेंट हमने लगवाया जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। एक जो जागरूकता की मुहिम है वो कहीं ना कहीं रंग दिखा रही है। बिल्कुल खिंचा हुआ जिसका ऑर्डर है वो आप देख सकते हैं। तो इसका कुछ पता नहीं है बछड़ी किस सीमन की है, सांड की है भाई? ये तो भाई साहब उन्हीं का शायद हरियाणा में तो। हाँ हाँ, अब ये तो हरियाणा से लेकर आए हैं, हरियाणा में तो तकरीबन जो है जो करवाते हैं सांड से ही प्रेग्नेंट करवाते हैं, हमारे यहाँ तो सीमन प्रथा ज्यादा है। अच्छा, हरियाणा में हमारे मुकाबले अभी भी कम है। अच्छा, तो ये तो मेरे लग रहा है उनके पंचायती बुल से हो रखी है। सुंदरता में इसकी भी कोई ना 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 कोई कमी नहीं है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी और चंचल है पूरी। हाँ जी, क्रियात्मक ऊर्जा के लिए तो देखो हरियाणा नस्ल जानी जाती है। और कुछ आप ऐसा बताओ कि मतलब आपको इस गोपालन में कोई दिक्कत कोई परेशानी आ रही है, किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्या तो थोड़ी सी देसी गोधन में हमें ये लग रहा है कि जैसे इनको आगे की प्रेग्नेंट कराने में थोड़ी सी समस्या आती है। अच्छा, उसकी वजह के मुकाबले? अच्छा, क्योंकि ये जो है इनके अंदर श्रम मान लो या कुछ भी मान लो औरतों की तरह ही होता है, ये ज्यादातर जो है एक तो इनको खुला वातावरण चाहिए जी जी, और नंदी को ज्यादातर ये मानती है जी जी, और नंदी व्यवस्था हमारे यहाँ तकरीबन नागे बराबर है, तकरीबन नागे बराबर है। हाँ हाँ, और हम अगर ऐसी जागरूकता फैलाते रहेंगे, जागरूक करेंगे लोगों को, तो शायद ये व्यवस्था पहले हमारे भी 10 साल पहले ये लगा कर चलो हमारे यहाँ नंदी प्रथा थी जी जी, सब जगह थी। 10 या 12 साल ही हुए होंगे, पिछला एक दशक हमारा खराब हो गया नंदियों के बगैर, क्योंकि जितने नंदी थे वो इधर उधर चले गए, उसके बाद हमने ध्यान नहीं दिया। अब तो सीमेंट प्रथा पे ही पूरा आधारित है नागा गोपालन, तो ये समस्या। आगे भविष्य में नंदी के लिए प्रयास करोगे? हाँ, एक तो हमने ला रखा है, एक तो हाँ, वो थार पारकर वाला जो दिखाया, थार पारकर का तो हमने ला रखा है। अच्छा, बावली गाँव में है, उसे तैयार कर रहे हैं जी, और एक दो हरियाणा की कहीं से प्रयास करेंगे, अच्छा नंदी हरियाणा का लाकर उसे भी यहाँ प्रयास करेंगे। अच्छा अच्छा, और कोई अपना अनुभव साझा करो? तो जब से इन्हें रखने लगे हो, जब से क्या महसूस कर रहे हो, क्या अपना अनुभव है? भाई एक तो इसका दूध जो है भैंस के मुकाबले क्रियात्मक के लिए जो है ये भी माना जा, और इनका दूध भी, एक तो इनका दूध यादाश्त हमारे हाँ, हाँ, आवे हाँ, खेलकूद में भी इनके दूध से वृद्धि हो बच्चों में, चंचलता आवे हाँ, हाँ, और जैसे हम एक उदाहरण में पहले सुनते आए हुए हैं कि अगर एक भैंस के बच्चे को आप 500 मीटर दूर भी आप छोड़कर आ जाओगे तो वापस अपने घर नहीं आ पाता है। और इसका बच्चा जो है गाय का बच्चा गोधन जो होता है उसको आप 4-5 किलोमीटर दूर भी अगर छोड़ के आओगे तो आपके घर पहुंचने से पहले वो बच्चा आपके घर मिलेगा। तो ये एक उदाहरण है याददाश्त का इनकी। हाँ, और अगर इनके बच्चा दूध पी के एक समझदारी का परिचय है, सरी हाँ समझदारी का परिचय, इसका दूध पी के अगर इनका बच्चा की याददाश्त इतनी हो सकती है तो ये आप भी लगाओ गाय के और भैंस के दूध में
क्या होगा। दूसरी बात, एक और मैं संदेश देना चाहता हूँ जी। हम कहते हैं गौ पालो, गौ लाओ, गौ बचाओ, गौ रक्षा, ये फलाओ, परंतु जब हमारे घर में शाम को दूधिया आता है तो हम उस दूधिया को बोलते हैं कि भाई भैंस का दूध दो, बरकत कम है गाय के दूध में। अच्छा, ये विषय भी तो हमें सोचना पड़ेगा ना। ना बिल्कुल सोचना, खाली जय बोलने से तो गाय हमारे घर में नहीं आएगी। चलो कहीं परिवार हम मानते हैं शहर में है या कुछ परिवार की स्थिति है कि वो गाय नहीं रख सकते, परंतु ये इतना तो कर सकते हैं अपने जो दूध लेकर जो आता है उसको कह सकते हैं कि भाई मुझे तो देसी गाय का दूध ही चाहिए। कम से कम कोई किसान उसे पालेगा। जो एक सक्षम परिवार है, जो एक सक्षम परिवार है, अगर वो चाहे तो किसान को सपोर्ट में ले सकता है, सपोर्ट में ले सकता है कि तू गाय रख, मैं तेरे से अच्छे भाव में दूध खरीद दूंगा। पर समस्या क्या आ रही, भैंस का दूध 50-55, गाय का दूध 30-35, तो कैसे किसान पालेगा। और एक तरफ हम गौ माता की जय, गौ माता की जय, जय बोलने से काम नहीं होगा। फीड की रेट तो आपको पता ही है, कमर तोड़ रहे हैं, कमर तोड़ोगे अब तो और ज्यादा बढ़ गए। अगर हम दूध हमारे इलाके की तो मैं अगर समस्या बताऊं तो इस मामले में तो चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो बिल्कुल रुला दिया कि दूध के भाव बिल्कुल नहीं है, नहीं है, पानी और दूध का रेट एक हो रहा है। बराबर है, 20 रुपए लीटर तो पानी है, सबे पता है। हाँ। और 30 रुपए लीटर गाय का दूध हमारे गांव में यहाँ लोगों को देना पड़ता है, मजबूरी में देना पड़ता है क्योंकि उसका कुर है ही नहीं, तो लेने वाला नहीं है। भैंस का 50 बताओ, और फिर बोलते हैं गाय गाय माता की जय, गाय माता की जय। तो इसके बारे में मैंने इनकी उपयोगिता भी हमें वापस, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बिंदु है ये उठाने योग्य है। ये और इसको अगर कोई, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर देखो बहुत परिवार है जो गाय से प्रेम करते हैं और गाय को बढ़ावा देना चाहते हैं, परंतु जब घर में उनके देखो तो भैंस का दूध आता है। कम से कम वो इतना तो सपोर्ट करे किसान को। बिल्कुल बिल्कुल, आपने आस पड़ोस के किसान को या किसी को भी उसे तो अपना कम से कम वो करे कि भाई दूध में हम तो देसी गाय का ही दूध पिएंगे। बिल्कुल, देसी गाय जो पाल रहा है, एक तरीके से डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप उपयोगिता बढ़ेगी, लोग अपने घर पालने लगेंगे। जी जी, किसान भी तो जो अच्छा मुनाफा होगा अब हाँ, उसी की तरफ भागता है। अब HF ला रहे थे 30 किलो दूध, 35 किलो दूध, अब वो 30 के भाव में भी जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही किसान को, है तो वो पानी। हाँ। पर लोग उसको समझ नहीं रहे। अब गोधन ये है, देसी गाय है तो 10 किलो दूध देगी, अब 10 किलो दूध में तो कैसे गुजारा होगा। हाँ। 4-5 किलो तो खुद के बच्चे के लिए, 5 किलो में 30 के भाव में देगा, क्या देगा। बिल्कुल बिल्कुल, रोज का 100-150 रुपए का तो वैसे खर्चा एक गाय का। हाँ जी, तो कैसे उसका पालन पोषण, कैसे लालन करेगा उसका, ये बहुत बड़ी समस्या। जी जी, इस पे मिलकर सोचना चाहिए। और दूसरा नस्ल सुधार। जी जी, लेकर आगे विलायती नस्लें, आगे HF जर्सी अलाना फलाना लेकर आगे हम दूध के लालच में, पर वो दूध की हम नहीं देख रहे, वो दूध क्या है और इनका दूध क्या है, क्वांटिटी देख रहे हैं, क्वांटिटी देख रहे हैं, क्वालिटी से किसी को कोई मतलब नहीं है। और अगर हम वापस यहाँ पर गौ संवर्धन, नस्ल सुधार, नस्ल संवर्धन करे तो ये हमारी गाय भी 18-20-16-15-14 किलो दूध आराम से दे सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर श्रेष्ठ नंदी का चयन करके इनको गर्भित कराया जाए, नस्ल संवर्धन करना पड़ेगा, वापस गौ माता अगर हमें लानी है तो इस विषय पे, इस बिंदु पे हमें ज्यादा से ज्यादा जोर देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा जी, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि बहुत बड़े सामर्थ्यवान लोग जो है वो अगर एक गाय या बैल रखने का नंबर आ जावे तो उनके कंधे सिकुड़ जाते हैं, कंधे सिकुड़ जाते हैं। समस्या है। हाँ। समस्या है, और ऐसे निपटना पड़ेगा। बिल्कुल, और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा वापस जो है। चलो हम खुद नहीं पाल सकते, कम से कम जो पाल रहा है उसकी तो सहायता कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, उसको उसके दूध की कीमत वाजिब कीमत देके जी 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 उसको तो हम सपोर्ट कर सकते हैं। ये मेरी सभी से अपील है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।